नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टाइव तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव नयन, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन बैच की, जिसमें मैं आपको भूगोल पढ़ा रहा हूँ और साथ ही साथ जो आपकी क्लासेस चल रही है नियमित रूप से जो आपकी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, और उसी के आगे एक कड़ी है जिसमें मैं आपसे बात करने आया हूँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात को लेकर। चक्रवात एक ऐसा टॉपिक है जहां पर अभी तक जितना भी हमने, चाहे वो पब्लिक क्लास हो चाहे आपकी क्लासरूम की क्लास हो, हमने जितना अभी तक पढ़ा है उसका भरपूर रूप से यहाँ पर उपयोग किया जाएगा, उसका भरपूर रूप से यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। अगर हम चक्रवात की बात करते हैं तो चक्रवात का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया। हवाओं के चलने के आधार पर विश्व मौसम विभाग इसका वर्गीकरण करता है, कटबंधों के आधार पर, अक्षांश रेखाओं के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे यदि कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में चक्रवात आते हैं तो उनको हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, जबकि कर्क रेखा के ऊपर वाले क्षेत्रों में या मकर रेखा के नीचे वाले क्षेत्रों में अर्थात शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चक्रवात आते हैं तो हम उनको शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चक्रवातों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है जो अभी मैंने आपको समझाया। एक तो अक्षांशीय विस्तार के आधार पर कि किन अक्षांश रेखाओं के मध्य में आ रहा है, और दूसरा वायु के चलने के आधार पर कि जहां पर वायु तेज चलेगी उस आधार पर विश्व मौसम विभाग ने भी इसका वर्गीकरण किया है। तो देखिएगा, एक एक से इसको हम समझते हैं। टॉपिक का नाम है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यदि मैंने शब्द यूज किया है उष्णकटिबंधीय तो यह है ग्लोब है, और ग्लोब पर यहां पर कर्क रेखा है, यहां पर मकर रेखा है। एक कर्क है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहां पर कौन सी रेखा, मकर। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो कहां पर आते हैं, वो कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच के क्षेत्र में आएंगे। कहां पर आएंगे, कर्क और मकर रेखाओं के बीच के क्षेत्र में, ठीक ना। देखिएगा, कर्क और मकर रेखाओं के बीच के क्षेत्र में तापमान अधिक रहने के कारण यहां पर किसका विकास होगा, तापमान का प्रेशर से विपरीत संबंध होता है तो यहां पर किसका विकास हो जाएगा, यहां पर निम्न वायु दाब का विकास हो जाएगा जिसको हम लो प्रेशर कहते हैं। तो चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न हो गए उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए लो प्रेशर का होना आवश्यक है, लो प्रेशर का होना आवश्यक है, पहली बात। ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं तो स्थल की अपेक्षा सागरीय सतह पर इनका विकास अधिक होता है। सागरीय सतह पर अधिक तापमान होने के कारण इनका विकास अधिक होगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो जाता है कि स्थल की अपेक्षा सागरीय सतह पर उत्पन्न होते हैं, सागरीय सतह पर उत्पन्न होते हैं। और तीसरी बात है कि दोनों गोलार्धों में आएंगे, सागरीय क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में आ सकते हैं। भाई उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यहां पर ये 0 डिग्री है, उत्तरी गोलार्ध में भी आ सकते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी आ सकते हैं। तो जो नॉर्थ होमोस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, NH लिख रहा है नॉर्थ होमोस्फीयर, यहां पर जो चक्रवात आएगा इसकी दिशा जो होती है वो कैसी होती है, वो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमती है वायु। और अगर वही बात कर रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहां पर जो है इनकी जो दिशा होती है वायु की वो क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि चक्रवातों की जो दिशा है, चक्रवातों में जो वायु चलती है, अभी मैं समझाऊंगा आपको कि जो चक्रवातों में वायु चलती है उसकी दिशा कैसी होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं, इस प्रकार से चलते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में बात करते हैं तो क्लॉकवाइज होते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं, तो घड़ी की सुई की दिशा में इस प्रकार से चलते हैं, ठीक ना। तो एक जगह क्लॉकवाइज बनेंगे और एक जगह एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, विश्व मौसम विभाग इसके द्वारा
वायु की गति के आधार पर, वायु की गति के आधार पर चक्रवात का वर्गीकरण किया गया। चक्रवात का वर्गीकरण किया गया। सोलह किलोमीटर प्रति सेकंड से वायु चलती है, 16 किलोमीटर प्रति सेकंड से यदि वायु चलती है तो इसको नाम दे दिया गया उष्णकटिबंधीय अवदाब। अवदाब क्या नाम दे दिया गया? उष्णकटिबंधीय अवदाब है यदि 16 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हवाएं चल रही हैं, ठीक ना। दूसरा, यदि 16 किलोमीटर से 32 किलोमीटर प्रति सेकंड से वायु चलती है, यहां पर ये वायु चलती है तो उसको नाम दे दिया गया उष्णकटिबंधीय तूफान। उष्णकटिबंधीय क्या नाम दिया गया? तो इसको नाम दे दिया गया उष्णकटिबंधीय तूफान। और यदि 32 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक गति से वायु चलती है, इससे अधिक गति से वायु चलती है तो इसको नाम दे दिया गया उष्णकटिबंधीय तूफान, सॉरी चक्रवात, साइक्लोन। आपके आयोग के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है, बल्कि लोक सेवा आयोग के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में कितने किलोमीटर से अधिक गति से हवाएं चलती हैं, वायु चलती है, ठीक ना। तो प्रति सेकंड की बात हो रही है तो 32 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक स्पीड से चलती है। यदि इससे कम चलेंगी और 16 से अधिक चलेंगी तो उष्णकटिबंधीय तूफान नाम दिया जाएगा, और यदि 16 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक तेज गति से चलती है तो इनको नाम दिया जाएगा उष्णकटिबंधीय अवदाब। क्या नाम दिया जाएगा? इनको नाम दिया जाता है उष्णकटिबंधीय अवदाब, ठीक ना। चलिए, तो ये हमारी छोटी सी ऊपर ऊपर की बातें थी। अब यहां पर देखिएगा, अब मैं विस्तार से आपको समझा रहा हूं। हमने कहा कि चक्रवात, चक्रवात जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ओर ही, अगर मैं चक्रवात ही बोलूं तो आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात समझ लेना है। चक्रवात जो है, मैंने कहा उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में आते हैं, तो यहां पर तो टेम्परेचर अधिक होता है और टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहां पर कौन सा प्रेशर बन जाता है? लो प्रेशर, क्योंकि तापमान का वायुदाब से या दाब से विपरीत संबंध होता है। और पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती है, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती है। उदाहरण के तौर पर एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, यहां देखिएगा, ये आपको एक साइक्लोन का हरिकेन जो है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उसी का ये डायग्राम है जो आपके सामने है, स्क्रीन पर है, ठीक ना, जो आपकी स्क्रीन पर है। इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा, देखिएगा यहां पर अगर हम बात करते हैं दाब की, जिसे मिली बार में मापते हैं आप, तो देखिएगा जो केंद्र है, ये एक डायग्राम है, केंद्र में 950 का वायुदाब है, उससे बाहर की ओर 980 का वायुदाब है, और बाहर चलेंगे 1000 का वायुदाब है, और बाहर चलेंगे तो 1003 का वायुदाब है, 1006 वायुदाब है, 1009 वायुदाब है। तो जैसे जैसे केंद्र से हम दूर जा रहे हैं तो जो वायुदाब है, जिसको हम प्रेशर कह रहे हैं, प्रेशर में वृद्धि हो रही है। अभी मैंने आपको बताया है कि तापमान का दाब से विपरीत संबंध होता है, तो यदि बाहर जाने पर प्रेशर में वृद्धि हो रही है तो सीधी सी बात है कि यहां पर प्रेशर में वृद्धि हो रही है, मतलब यहां का टेम्परेचर क्या है? कम है। और केंद्र में अधिक वायुदाब है, यानी अधिक वायुदाब है यहां पर, ठीक ना, बाहर की ओर जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। और अगर केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र में यहां पर प्रेशर कम है,
यहां पर प्रेशर कम है और प्रेशर कम है तो सीधी सी बात है यहां पर टेम्परेचर अधिक होगा। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो केंद्र बनेगा जहां पर लो प्रेशर का विकास होगा और बाहर की ओर हाई प्रेशर का विकास, केंद्र में लो प्रेशर बनेगा और बाहर की ओर हाई प्रेशर बनेगा और इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगेगी, इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगेंगी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर उत्तरी गोलार्ध में हवाएं चलेंगी तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी और अगर दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगी तो क्लॉकवाइज चलेंगी। पहली बात तो वायुदाब जो सॉरी जो चक्रवात होगा, चक्रवात के केंद्र में हमेशा याद रखिएगा निम्न वायुदाब का विकास होता है, निम्न वायुदाब का विकास होता है और चक्रवात के जो केंद्र है जिसको अभी हम आगे बताएंगे, चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख, चक्रवात की आई बोलते हैं, आई ऑफ साइक्लोन बोलते हैं। तो जैसे जैसे चक्रवात के केंद्र या चक्रवात की आंख से आप दूर होते जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आने के कारण जो प्रेशर होगा प्रेशर बढ़ता जाएगा, यानी बाहर की दीवारों पर, चक्रवात की बाहर की दीवारों पर हाई प्रेशर बनता है और चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर बन जाता है और इसी हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगती हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और इन तेज हवाओं की गति को परिभाषित किया गया है विश्व मौसम विभाग के अंतर्गत। यदि हवाएं जो चल रही हैं हाई प्रेशर से बाहर से अंदर की ओर केंद्र की ओर जो हवाएं आ रही हैं यदि उनकी स्पीड 32 किलोमीटर या उससे अधिक है तो हम इसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहेंगे। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं और इन निम्न वायुदाब के केंद्रों में उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हवाएं चलती हैं जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हवाएं चलती हैं और एक केंद्र की ओर आती हैं, जैसे इसमें दिखाया जा रहा है आपको, जैसे कि इसमें आपको हवाएं आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहां पर जो एरो बने हैं, देखिए यहां पर आ रही है, देखिए है, देखिएगा इस प्रकार चल रही है। मैंने बताया ये हरिकेन का डायग्राम है, हरिकेन का डायग्राम है और हरिकेन यूएसए में आते हैं और यूएसए उत्तरी गोलार्ध में है और यहां पर जो चक्रवात होंगे उनकी डायरेक्शन कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो देखिएगा यहां पर हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, देखिएगा कितना सुंदर सा बनाया गया इसे, देखिएगा कितना सुंदर है ये। हवाएं कैसी चल रही हैं? केंद्र की ओर आ रही हैं और एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो केंद्र की ओर यदि हवाएं आ रही हैं और एंटी क्लॉकवाइज हैं तो समझ जाइएगा कि यह चक्रवात है जहां पर हवाएं तेज चल रही हैं और ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए यह कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर है? तो यह उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक ना। अब देखिएगा इससे संबंधित प्रश्न है, चक्रवात के विकास के लिए अगर आदर्श दशाओं की बात करें तो टेम्परेचर अधिक होना चाहिए तभी यहां पर लो प्रेशर का विकास हो पाएगा। तो चक्रवात के जो सेंटर होगा, चक्रवात का जो केंद्र होगा, तो चक्रवात के केंद्र में तो लो प्रेशर बनेगा जबकि चक्रवात के बाहरी क्षेत्रों में, चक्रवात जहां पर है केंद्र, केंद्र के बाहरी क्षेत्रों में तापमान अधिक होने के कारण हाई प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने चलती है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो एक डायग्राम मैं आपको और दिखाता हूं। ये देखिएगा एक डायग्राम है, ये यहां पर आप कितना सुंदर सा ऐसे ही बनाया गया। अगर इसको मैं थोड़ा सा बिगाड़ दूं तो आप देखेंगे इसमें इस प्रकार से हवाएं चल रही हैं, इस प्रकार से ये ऐसा घूम रहा है। तो ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज तो ऐसा चलता है ना, घड़ी ये है, क्लॉकवाइज ऐसा होता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसा घूम रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध का कोई चक्रवात होगा और उत्तरी गोलार्ध के इस चक्रवात में बखूबी आपको दिखाई दे रहा है, बखूबी आपको यहां पर एक ये ब्लैक कलर का ये स्पॉट दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लैक कलर का स्पॉट है ये है चक्रवात की आंख, ये जो ब्लैक कलर का स्पॉट है ये क्या है? ये चक्रवात की आंख है। चक्रवात की आंख किसे कहते हैं हमें ये समझना है, इमेजिन करिएगा। मैं एक डायग्राम आपको और दिखाता हूं तो चक्रवात की आंख आप अच्छे समझ जाएंगे। देखिएगा यहां पर यह है चक्रवात की आंख, ठीक है, देखिए समझिएगा, यह धरातल है और यहां पर मान लीजिएगा जल की सतह है। तो जल की सतह पर टेम्परेचर अधिक होने के कारण लो प्रेशर बन जाएगा और धरातल पर टेम्परेचर कम होने के कारण यहां पर क्या प्रेशर बन जाएगा? हाई प्रेशर। तो इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगेंगी। मान लीजिएगा यहां पर भी हाई प्रेशर है तो इस हाई प्रेशर से
लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगती हैं। समझिएगा, एक हवाएं ऐसी आ रही हैं, ये बीच में मान लीजिएगा सागर का क्षेत्र है, तो ये हवाएं इस प्रकार से आ रही हैं, हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है, और चूंकि यहाँ पर तापमान अधिक है इसलिए तो लो प्रेशर बना, तो तापमान अधिक होने कारण ये हवाएं ऊपर उठती हैं, ये हवाएं ऊपर उठती हैं। जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो हवाओं के ऊपर उठने की प्रक्रिया को हम आरोहण कहते हैं। तो यहां पर जब धरातल के दोनों ओर से जहां पर हाई प्रेशर एक जगह तो बनेगा नहीं, दो जगह बनेगा, तो जब यहां पर हवाएं आती हैं तो हवाएं अधिक तापमान यहां पर होने कारण हवाएं यहां पर लंबवत उठने लगती हैं, और जब लंबवत हवाएं उठने लगती हैं तो जो बीच का स्पेस है, ये खाली रह जाता है, और जब ये बीच का स्पेस खाली रह जाएगा तो इसी बीच के स्पेस को, नाम दिया जाता है आई ऑफ साइक्लोन, चक्रवात की आंख। क्या नाम दिया जाता है इसको? नाम दिया जाता है चक्रवात की आंख। चक्रवात की आंख में वायु का आरोहण होता है, वायु सीधी ऊपर उठ जाती है, और वायु के आरोहण होने के कारण यहां पर वर्षा नहीं हो पाती है। तो चक्रवात की आंख, यदि आप मान लीजिएगा साइक्लोन आ रहा है और आप खड़े हुए हैं, आपके चारों ओर तेज गति से हवाएं चल रही हैं और आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि आप चक्रवात की आंख में हैं, चक्रवात के केंद्र में खड़े हुए हैं। यहां पर हवाओं के सीधे ऊपर उठने के कारण कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की मौसमी घटना घटित नहीं होगी, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चक्रवात का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक शांत पाया जाता है, चक्रवात के किस क्षेत्र में मौसम संबंधित गतिविधियां नहीं होती हैं, वर्षा नहीं होती है, तेज हवाएं नहीं चलती हैं, तो उस क्षेत्र का नाम है चक्रवात की आंख, आई ऑफ साइक्लोन। ठीक ना, तो ये आंख है, चक्रवात की आंख है। ठीक ना, देखिएगा आगे समझते हैं। चक्रवात की आंख की ओर आप देखिएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध का बनाया गया, यहां पर हवाएं देखिएगा ऐसी चल रही है, एक क्लॉकवाइज है ना, एक दक्षिणी गोलार्ध का है, तो ये चक्रवात की आंख हो जाती है। और चक्रवात की आंख से जो संलग्न भाग है, चक्रवात की मान लीजिएगा इस प्रकार से हवाएं ऊपर उठ रही थी, तो बीच वाला जो एरिया है इसको नाम दिया जाता है चक्रवात की आंख, और चक्रवात की आंख से लगा हुआ जो संलग्न एरिया है, अर्थात इसकी बात हो रही है जो चक्रवात से संलग्न एरिया होता है, इसे आंख की दीवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंख की दीवार, चक्रवात की आंख की दीवार। और चक्रवात की आंख की दीवार पर यहां पर वायु ऊपर उठती है, यहां पर भी क्षैतिज रूप से इस प्रकार वायु चलती है, तो चक्रवात की आंख पर यहां पर क्या हो जाती है, यहां पर अधिक मात्रा में वर्षा हो जाती है, तेज हवाएं चलती हैं और यहां पर अधिक मात्रा में वर्षा हो जाती है। तो चक्रवात से संलग्न वह क्षेत्र जहां पर वर्षा सबसे पहले महसूस होती है, उसे चक्रवात की दीवार कहा जाता है या आंख की दीवार कहा जाता है। और इसका एक नाम और है, केंद्र की दीवार। केंद्र का सबसे बाहरी भाग जहां पर सबसे पहले वर्षा की प्राप्ति होती है, उसे कहा जाता है आंख की दीवार। और आंख की दीवार के बाद एक जो खाली स्पेस बचता है, इसे वर्षण सर्पल पट्टी कहा जाता है, वर्षण सर्पल पट्टी। ठीक ना, इस प्रकार से मैं बना रहा हूं, देखिएगा यहां पर बादल बनेंगे और यहां पर वर्षा होगी, तो वर्षा होगी तो उसके बाद वर्षा का प्रभाव इस वाले एरिया में भी रहेगा और वर्षा का प्रभाव केंद्र की ओर भी रहेगा। जहां तक वर्षा का प्रभाव केंद्र से बाहर की ओर रहता है, इसे नाम दिया जाता है वर्षण सर्पिल पट्टी, स्पायरल रेन बैंड्स। ठीक ना, ये चक्रवात की एक कंडीशन है, एक स्थिति बना दी मैंने, एक डायग्राम बना दिया आपको इमेजिन करने के लिए। इससे भी इमेजिन कर सकते हैं आप, एक केंद्र है और यहां पर ये व्हाइट व्हाइट सा आपको दिख रहा है, यहां पर ये वर्षा होने के कारण यहां पर दिख रहा है, और जैसे जैसे दूर की ओर बढ़ते जाएंगे, केंद्र से दूर की ओर बढ़ते जाएंगे तो वर्षा का प्रभाव कम हो जाएगा, तो वह सीमा जहां तक वर्षा की प्राप्ति हो सकती है उसे वर्षण सर्पल पट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षण सर्पल पट्टी। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक ना। अब आगे देखिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अगर हम आगे बात करते हैं, तो ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर
विषुवत रेखा है और यहाँ पर 25 से 30 डिग्री तक का क्षेत्र, 30 डिग्री मान लेते हैं हम, और यहाँ भी 25 से 30 डिग्री तक का क्षेत्र, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, नॉर्थ है और साउथ है। अगला समझिएगा, यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, समझाया हूं आपको बहुत अच्छे से, यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर बनता है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं पवने चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से चलती हैं। और जब इस प्रकार से हवाएं चलती हैं या पवने चलती हैं तो ये भी यहां पर 5 डिग्री तक के क्षेत्र में कोरियोलिस बल के जीरो होने के कारण यहां पर विषुवत रेखा पर जो सीएफ फोर्स है वो जीरो होता है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जो है वो साइन जया जो होती है यानी साइन थीटा के समानुपाती होता है, जहां पर साइन थीटा का मान अधिक होगा वहां पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिक होगा, और जहां पर साइन थीटा का मान जीरो होगा वहां पर कोरियोलिस बल नगण्य होगा। तो कोरियोलिस बल अगर विषुवत रेखा पर देखते हैं तो कोरियोलिस बल में जीरो डिग्री अगर रखेंगे तो साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो का मान जीरो होता है, इसलिए यहां पर कोरियोलिस बल का प्रभाव नहीं होगा। और कोरियोलिस बल का प्रभाव जब नहीं होगा तो पूर्व से पश्चिम की ओर यहां पर इस प्रकार से सीधी रेखा में पवने चलने लगती हैं, और यहां पर कोई भी मौसम संबंधित गतिविधि नहीं होती है, इसी को नाम दिया जाता है शांत पेटी डोलड्रम, शांत पेटी या डोलड्रम। क्लास में मैं बहुत अच्छे से आपको ये समझाया हूं, अभी यहां पर थोड़ा सा मैं ब्रीफ में समझा रहा हूं, ये डोलड्रम है। तो डोलड्रम या शांत पेटी में किसी भी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटती हैं, इसलिए यहां पर चक्रवात नहीं आते हैं। पूरे विश्व में कहां पर चक्रवात उत्पन्न हो सकते हैं, उष्णकटिबंधी कह रहे हैं जो कर्क और मकर रेखा के बीच में होते हैं, तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में, क्योंकि यह वाला क्षेत्र जो है वो किस नाम से जाना जाता है, डोलड्रम या शांत पेटी के नाम से जाना जाता है, डोलड्रम या शांत पेटी। अगर हम इन पवनों की बात करते हैं, अगर इन पवनों की बात की जाए तो ये पवने, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पवने कौन सी पवने हैं, तो ये पवने जो हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ये पवने कौन सी हैं, तो इन पवनों का नाम है व्यापारिक पवन। क्या नाम है? तो इन पवनों का नाम है व्यापारिक पवन, और आगे वाली दिशा पूर्व होती है, पीछे वाली दिशा पश्चिम। तो आप देखिएगा व्यापारिक पवन पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, तो व्यापारिक पवनों के द्वारा चक्रवात लाए जाते हैं, इसलिए महाद्वीप के पूर्वी भाग पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहां पर, जैसे कि मान लीजिएगा ये आपका जो क्षेत्र बना रहा हूं मैं, मान लीजिएगा नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका ये पूरा वाला भाग है, पश्चिम वाला भाग है, और यहां पर इस प्रकार से जब हवाएं चलती हैं तो पूर्वी भाग इससे प्रभावित होता है। कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इन पवनों के द्वारा, व्यापारिक पवनों के द्वारा चक्रवात लाए जाने के कारण चक्रवातों से प्रभावित होने वाला क्षेत्र जो है वो पूरा होता है, इसलिए किसी भी महाद्वीप के या किसी भी देश के पूर्वी तट पर चक्रवात अधिक आते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत देश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी बंगाल की खाड़ी जो पूर्व में है यहाँ पर कई सारे चक्रवात आते हैं, और हिंद महासागर में चक्रवात को चक्रवात ही नाम दिया जाता है, फिर क्षेत्रीय आधार पर उनका विभाजन कर दिया जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने हुदहुद का नाम सुना होगा, अम्फान का नाम सुना होगा, कई सारे चक्रवात ऐसे आते रहते हैं, ठीक ना। तो हिंद महासागर में जो चक्रवातों की उत्पत्ति होती है या जो चक्रवात आते हैं उनको हम चक्रवात कहते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि शांत पेटी जो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक होती है, वहां पर हवाएं क्षैतिज चलने के कारण चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि चक्रवात की उत्पत्ति व्यापारिक पवनों के कारण होती है। कौन सी पवनों के कारण? ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनों के कारण होती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, इसलिए चक्रवात जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार बढ़ेंगे तो यहां पर जलीय सतह पर लो प्रेशर बना होता है और धरातल पर हाई प्रेशर बना होता है। तो लो प्रेशर से जैसे ही हाई प्रेशर की ओर जाते हैं तो वायु दाब कम हो जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हवाएं
तेज गति से ऊपर नहीं उठ पाती हैं, धीरे 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 जैसे स्थल में प्रवेश करता है हवाएं नीचे बैठने लगती हैं, हवाओं का अवरोहण होने लगता है और स्वतः ही चक्रवात क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो जल की सतह पर जो चक्रवात आएंगे वो बड़े भयानक होते हैं, जबकि स्थलीय भागों पर जो चक्रवात आएंगे वो उतने भयानक नहीं होते हैं। इसलिए इनके द्वारा तटीय क्षेत्रों में अधिक हानि भी होती है, क्योंकि तटीय क्षेत्र सागर या महासागरों के किनारे ही पाए जाते हैं। सागर या महासागरों के कहाँ पाए जाते हैं, उनके किनारे पाए जाते हैं, ठीक ना। तो हम लोगों ने इतनी चीज समझी कि चक्रवात है क्या, चक्रवात उत्पन्न कैसे हो रहे हैं, हवाओं के आरोहण से। हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठती हैं, हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठेंगी उन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया, वायु, सॉरी उन्हीं को नाम दे दिया वायु। और लो प्रेशर के केंद्र में हमेशा इनका निर्माण होगा। विश्व मौसम विभाग ने इनकी गति के आधार पर इनकी कई सारे नाम दिए, उष्णकटिबंधीय अवदाब, तूफान या चक्रवात। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। इसमें पवने चलेंगी या हवाएं चलेंगी या वायु चलेगी, ठीक ना। उसके बाद एक थ्योरी आपको समझाए। अब अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग नाम होते हैं जो कई सारे एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं चक्रवात, तो चक्रवात इसे नाम दिया जाता है कहां पर, हिंद महासागर में। चक्रवात कहां पर नाम दिया जाता है, हिंद महासागर में नाम दिया जाता है। उसके बाद बिली बिली, ये कई बार पूछा गया है, बिली बिली, और बिली बिली नाम दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। बिली बिली कहां पर नाम दिया गया, ऑस्ट्रेलिया। एक टाइफू है और एक टाइफून है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है यहां पर, टाइफू और टाइफून। एक चीन में आता है तो एक जापान में आता है। जापान छोटा देश है और चीन बड़ा देश है। तो टाइफू में तीन अक्षर हैं और टाइफून में चार हैं, ठीक ना। तो चार है तो ये बड़े देश में आएगा, चीन में आएगा, और ये तीन है छोटे देश में आएगा। इन दोनों में बड़ा जो है वो बड़े देश में आएगा, ठीक ना। उसके बाद हरिकेन, हरिकेन आपके कहां पर आते हैं, तो कैरेबियन सागर में आते हैं। यूएसए भी इससे प्रभावित होता है, कैरेबियन सागर। अभी मैं मानचित्र पढ़ाऊंगा तो कैरेबियन सागर में कौन कौन से देश हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद टॉर्नेडो, ये यूएसए और कनाडा में नाम दिया जाता है चक्रवात को, यूएसए और कनाडा। तो ये मुख्य मुख्य नाम है, बकाया क्षेत्रीय आधार पर नाम रख दिए जाते हैं, ठीक ना। तो ये मुख्य मुख्य नाम है, इनको आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए, तो ये आज आपका टॉपिक है। साथ ही साथ स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप जाके एडमिशन की प्रक्रिया पूछ सकते हैं। जो लोगों ने एडमिशन ले लिया है उन्हें मालूम है कितनी बेहतरीन तरीके से कक्षाएं आपकी संचालित हो रही हैं, और जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया या लेने की सोच रहे हैं तो जल्दी से ले लीजिएगा। और जिन लोगों को एडमिशन का प्रोसेस नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो हमारे एप्लीकेशन का है, आप उसको क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, नंबर आप रजिस्टर्ड कर लीजिएगा, ओटीपी आ जाएगी और आप स्टोर में जाएंगे तो 10 बैच संस्थान के द्वारा टीजीटी पीजीटी के लिए चलाए जा रहे हैं। आपका जो भी बैच है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, मैथ है, जो भी है आप वहां से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।